नमस्कार, मैं शीना अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। कैराना समेत लोकसभा की 4 और विधानसभा की 10 सीटों के लिए हुआ मतदान। लोकसभा की 4 और विधानसभा की 10 सीटों के लिए उपचुनाव में आज वोट डाले गए। इनमें यूपी की कैराना, महाराष्ट्र की भंडारा गोंदिया और पालघर के साथ नागालैंड की 1 लोकसभा सीट शामिल है। कैराना से बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के निधन के बाद उनकी बेटी मृगांगा सिंह उपचुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला रालोद प्रत्याशी तबस्सुम हसन से है। इन सभी सीटों की मतगणना 31 मई को होगी। झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में आए देश के 9 राज्य, कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड सहित जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिन तक लू का कहर जारी रहेगा। अगले 5 दिन तक तापमान में गिरावट आने का अनुमान नहीं है। देश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से भी अधिक पहुंच गया है। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन शुरू, नोएडा से सीधे जा सकेंगे एयरपोर्ट। जनकपुरी वेस्ट और कालकाजी मंदिर के बीच मर्जेंटा लाइन शुरू हो गई है। इस कॉरिडोर से वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और नोएडा बेहतर तरीके से आपस में जुड़ गए हैं। नोएडा से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 35 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। नोएडा से गुड़गांव तक की दूरी 50 मिनट में तय की जा सकेगी, जिसमें अभी 1.5 घंटा लगता है। अब BMRC नेटवर्क की कुल लंबाई 277 किलोमीटर हो गई है। हौज खास इंटरचेंज दिल्ली मेट्रो का सबसे गहरा स्टेशन। हौज खास इंटरचेंज दिल्ली मेट्रो टीम के लिए बड़ी चुनौती था। यहाँ नए स्टेशन को 29 मीटर की गहराई पर मौजूदा स्टेशन के पास बनाया गया है, जिसकी लंबाई 265 मीटर है। इसका डिजाइन 5 स्तरीय स्टेशन के रूप में किया गया है। अधिकतर इंटरचेंज स्टेशनों पर 3 या 4 स्तर होते हैं। नए जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर एस्केलेटर की ऊंचाई देश में किसी भी एस्केलेटर की ऊंचाई से ज्यादा है। इसकी ऊंचाई 15.65 मीटर है। खुल गया इंडिया का पहला स्मार्ट एक्सप्रेसवे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक शुरू हो गया है। यह देश का पहला स्मार्ट और 100% सोलर एनर्जी से लेस एक्सप्रेसवे है। इस पर हर 500 मीटर पर दोनों तरफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 135 किलोमीटर लंबा है। यह कुंडली से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के बागपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल को जोड़ता है। अब तक यह सफर 4 घंटे में पूरा होता था, जो अब सिर्फ 72 मिनट में पूरा हो सकेगा। भारत ने कहा गिलगित और बाल्टिस्तान से अवैध कब्जा खत्म करे पाकिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान की स्थानीय परिषद के अधिकारों को सीमित करने के पाकिस्तान सरकार के फैसले पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उप उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को तलब कर कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका जम्मू कश्मीर का हिस्सा और भारत का अभिन्न अंग है। इस हिस्से पर पाकिस्तान ने 1947 में आक्रमण कर कब्जा कर लिया था, इसलिए उस इलाके की स्थिति में बदलाव करने का कानूनी अधिकार नहीं है। रूस से 40,000 करोड़ में S-400 ट्रिम्फ मिसाइल खरीदेगा भारत। भारत ने वायुसेना के लिए रूस से S-400 ट्रिम्फ वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए कीमत संबंधी बातचीत पूरी कर ली है। यह पूरा सौदा करीब 40,000 करोड़ रुपए में होगा। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अक्टूबर में होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले की जा सकती है। अब दोनों देश अमेरिका के उस कानून से बचने के तरीके तलाश रहे हैं, जिसके अनुसार रूस के रक्षा अथवा खुफिया प्रतिष्ठानों से लेनदेन पर सजा देने की बात कही गई है। दुनिया की सबसे सस्ती एयरलाइंस में इंडिगो और एयर इंडिया शामिल। सस्ती दर पर विमान सेवा देने वाली इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सुविधा उपलब्ध कराने वाली दुनिया की 5 सबसे सस्ती एयरलाइंस में शामिल हैं। ग्लोबल फ्लाइट प्राइसिंग रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस दूसरे और इंडिगो 5वें स्थान पर है, जबकि जेट एयरवेज 12वें और उसके बाद एयर इंडिया 13वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट मेलबर्न की यात्रा नियोजन साइट रोम टू रियो ने तैयार की है। रिपोर्ट में 200 बड़ी एयरलाइंस की तुलना की गई है। फाइनल मुकाबले में वॉटसन के काम आई धोनी की सलाह। चेन्नई सुपर किंग्स ने रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीता। मैच के बाद चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शेन वॉटसन के बारे में बात करते हुए कहा कि हमने उन्हें डाइव लगाने से रोका था, नहीं तो वह चोटिल हो सकते थे। वॉटसन ने आईपीएल 2018 में 2 शतक लगाए हैं। धोनी ने कहा कि हमें पता था उनकी टीम में भुवनेश्वर कुमार और राशिद खान जैसे अच्छे गेंदबाज हैं, जो बल्लेबाज को दबाव में लाना चाहते हैं। फिल्म संजू के पोस्टर में सुनील दत्त के अंदाज में नजर आ रहे हैं परेश रावल। फिल्म संजू में सोनम कपूर का लुक रिलीज करने के बाद राजकुमार हिरानी ने अब अभिनेता परेश रावल का लुक रिलीज किया है। परेश रावल ने सुनील दत्त का किरदार निभाया है। सुनील दत्त के लुक में परेश रावल काफी कन्विंसिंग लग रहे हैं। फर्स्ट लुक पोस्टर में सुनील दत्त बने परेश रावल संजय दत्त बने रणवीर कपूर को गले लगाते नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर में एक पिता और बेटे के रिश्ते और भावना को काफी अच्छे से कैप्चर किया गया है। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।